ये हलीम हम बना रहे हैं, हमारे अबाव अजाज से बनाते हुए आ रहे हैं, हमारे वालिद साहब भी बनाते थे, अभी हम भी बना रहे हैं। ये हजरत इमाम हुसैन की उससे में बना रहे हैं, अभी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा। हलीम बना रहे हैं हजरत इमाम हुसैन की याद में। तो ये बताएगा लोगों को भी बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? हजरत इमाम हुसैन की याद में। अच्छा। और काफी लोग काफी चीजों की नजर न्याज करते हैं, ये भी बनाना चाहिए। बना रहे हैं इमाम हुसैन की याद के लिए बना रहे हैं, तो ये माशाल्लाह हर साल बनाते हैं, तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह बनता है। तो पहले माशाल्लाह 15-20 देगे होती थी, तो महंगाई की वजह से अभी ये 4 देगे पका रहे हैं हम लोग। तो महंगाई ने तो इस तरह कमर तोड़ी हुई है, तो आपके सामने ये सारा कुछ बहुत पूरे पाकिस्तान में तोड़ी हुई है। तो पहले माशाल्लाह 15-20 देगे होती थी, तो अब ये 4 देगे मतलब पक रही है। आप अंदाजा लगा लें मतलब किस तरह महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। अच्छा, मुझे कब से बना रहे हैं ये बताएगा? ये तकरीबन मेरे को 25 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह 25 साल से माशाल्लाह ये बना रहा हूँ मैं। तो सुबह माशाल्लाह शरबत का लंगर भी होगा, तो शरबत का भी सुबह का प्रोग्राम है तकरीबन 10 बजे। ये सुबह माशाल्लाह अपना फजर की नमाज पढ़ के दुआ करा कर, तो दुआ करा कर माशाल्लाह फिर ये लंगर बांटना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हलीम क्यों बना रहे हैं ये बताएं मुझे। ये हलीम हम लोग बनाते हैं, हसन और हुसैन हमारे नबी के नवासे हैं, उनकी याद में हम हलीम पकाते हैं कि उनकी याद ताज़ा हो जाती है, उनके गम। कब से बना रहे हैं आप ये बताएं। ये हलीम तो हम काफ़ी सालों से बना रहे हैं माशाल्लाह, हम तो 7-8 देगे लगाते थे, इस महंगाई ने तो हम लोगों को ये 2 देगों पे पहुँचा दिया, अब क्या करें। ये हम इमाम हुसैन की याद ताज़ा करने के लिए बनाते हैं, हर साल बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो हम भी बना ही रहे हैं आपके सामने। अच्छा, महंगाई को किस तरह देखा है ये बताइए जरा। वो हमारे भाई साहब बैठे हैं, महंगाई को किस तरह देखो ये बताइए भाई। पहले 5-6 देगी होती थी, अभी 2 देगी होती है बस, लेकिन क्या करें बनाएंगे। आप लोग हिम्मत नहीं आ रहे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं आ रही है। ये ऐसे ही लगा रहेगा? जी बिल्कुल लगा रहेगा इंशाल्लाह। ये भाई मुहर्रम अल हराम में इमाम हुसैन और इमाम हसन की याद में बनाया जाता है, और ये आज से नहीं जब से ये सिलसिला चल रहा है, हमारे बड़े भी हमारे अबा अजाज करते चले आए, उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं हम भी, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो महंगाई को किस तरह देख रहे हो? महंगाई का ये आलम है, ये पहले 8 देंगे बनाते थे, अब 4 बना रहे हैं। अगर महंगाई का यही आलम रहा तो 4 की जगह 2 हो जाएंगी, बाकी अल्लाह मालिक छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे 2 हो चाहे 1 हो चाहे 2 भी हमारी इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, आगे हमारी औलादें भी बनाएंगी इंशाल्लाह, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, ताकि हमारा चलता रहेगा। मुहर्रम की रात है, मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में ये हलीम खिचड़े के नाम से बनाया जाता था, हम की याद में हलीम बना रहे हैं, और हमने ये देखते हुए आए हैं कि हमारे अबा अजदाद से लेके हमारे बड़े तक ये हलीम बना रहे थे, आज हम भी बना रहे हैं, एक रीत के तौर पर न्याज के तौर पर हर साल बनाते हैं, और इस साल भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखे तो काफ़ी हुआ करती थी, आज कम क्यों कैसे हो गई ये बताइए। देखिए जैसे आपको भी मालूम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं है, माली हालात लोगों के बहुत तंग है, हमारे भी उसी तरीके से तंग है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी तादाद में कसीर तादाद के अंदर ये न्याज करवाते थे, लेकिन महंगाई ने इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है, अब ये न्याज माली तौर पर जो है ना जज्बे के तौर पर बहुत ज़्यादा, लेकिन माली तौर पर हम बहुत तंग है, इसलिए बहुत कम रह गई है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह हम अपने जोश व जज्बे से फिर इसको अपनी तादाद में बनाएंगे। सर हुकूमत को क्या मैसेज देंगे बताइए। हुकूमत को मैसेज देंगे खुदा के वास्ते अपनी जो है शहाना जिंदगियों को कम करें, आवाम पे सारे टैक्सेस ना थोपें, आवाम के ऊपर सारी महंगाई ना करें, अपनी आसाइशें कम करें, अपने अलाउंस कम करें, अपनी शहाना जिंदगियों की आसाइशों को कम करें, और आवाम की तरह जिंदगी जिए, ताकि एक लेवल पे होकर जिंदगी गुजरे, ताकि आपको भी और हुकूमत को भी एहसास हो सके कि ये महंगाई क्या है और इसकी तंगी क्या है। हम हुसैन और हसन की याद में बनाया जाती है, साल बनाते हैं हम ये तकरीबन 20 साल से बना रहे हैं। 20 साल से बना रहे हैं जी। तो ये आज देगे क्यों कम पड़ गई? ये देगे कम, पहले 6 बनाया करते थे, आज महंगाई की नस्बत से 3 बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है ये? हाँ माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है। आपकी गली में कितने बनाए जा रहे हैं? हमारी गली में कम से कम 12-14 देगे बन रही है। इमाम हुसैन के ये हम लोग याद में उनकी सवाब के लिए बनाते हैं, और ये हम नहीं बना रहे, ये पूरा पाकिस्तान बनाता है। ये देखो हमारी गली में पूरी, जिधर जिधर देखोगे, जिधर जिधर नजरें घुमाओगे, देगे लगी होंगी इमाम हुसैन की, न्याज की देगे ये हमारी। महंगाई को किस तरह देखो? नहीं, आज
सर क्या करें, हमारी हुकूमत ने जो है कमर तोड़ दी है। पहले 5 देगी होती थी, अब 2 पे आ गई, अगले साल 1 पे आ जाएगी अगर इसी तरह की हुकूमत रही हमारी।